भीष्म जी। हाँ कृष्ण जी, शायद आपको अपनी धनुर्विद्या पर, अपनी आयु पर घमंड हो गया है। कृष्ण जी, मुझे घमंड नहीं है, मुझे अपनी धनुर्विद्या पर और खुद पर गर्व है। और ए, जब गर्व है तो तुझे ये जो तेरे बच्चे हैं जिनमें आपस में लड़ाई फूट चल रही है, इनको समझा भी तो सकता था, तेरी बात नहीं। मैंने तो बहुत समझाया है, और ये फूट और लड़ाई जो बच्चों में चल रही है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मेरा लेना देना है तो हस्तनापुर की सीमा से है, हस्तनापुर की मर्यादा से भीष्म बंधा हुआ है। और जब तक हस्तनापुर की अगर सीमा पर, मर्यादा पर कोई भी आंच आएगी तो ये भीष्म सामने खड़ा होगा। झूठ का साथ दे रहे हो तुम पिता में भीष्म। अरे आधा राज पांडवों का बनता था, क्यों नहीं दिया आपने? मैंने सौगंध खाई थी, भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि कभी शादी नहीं कराऊंगा। अच्छा, और ये प्रतिज्ञा भी ली थी कि जब तक चाहूं और से हस्तनापुर की सीमा को सुरक्षित नहीं देख लूंगा। इच्छा मृत्यु का वरदान भी है मुझे, जब तक अपने प्राणों को। इसी बात का घमंड है तुझे? घमंड है तो तुझे बता रहा हूं कृष्ण जी, थोड़ी बात में ज्यादा समझ ले, कल मेरे सामने मत आ जाना। अच्छा, हाँ, कल के युद्ध में क्योंकि कल ऐसा युद्ध करूंगा कि धरण भी दुहाई मांग जाएगी, धरती और पाताल और आसमान घूमता नजर आएगा। कल मेरे सामने मत आ जाना, क्योंकि तूने प्रतिज्ञा कर रखी है कि महाभारत के युद्ध में तुम अस्त्र नहीं उठाओगे। अपनी बात को कह दे जाना। और कल मैं जब युद्ध करूंगा तो शस्त्र उठाने के लिए विवश हो जाओगे। कह दो अपनी बात को, सुन ले मेरी बात। कले किरसन युद्ध में ना आना, और भारी हो जागा मुँह दुबकाना। सुन ले, कल कृष्ण युद्ध में मत आना, और भारी हो जाएगा मुंह दुबकाना। क्यों भीष्म जी का मत करे खुद पे, मत मारे प्राण के ताना। कल कृष्ण युद्ध में मत आना, भारी हो जाएगा मुंह दुबकाना। और मेरा कमेटी अध्यक्ष परम आदरणीय जलवीर यादव जी, वो भी 500 रुपए से हम दोनों कलाकारों का मान सम्मान कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। और एक घमंडी पिता में भीष्म, तुझे तो तू कुल का बड़ा, सबको समझाने वाला, तुझे तो अपना परिवार अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए था। बड़े के नाते तुझे भी समझा ही रहा हूँ, वरना मैं कहता नहीं कल एकदम से धनुष पे ताण देता। मैं सत्य के साथ हूँ। अरे कृष्ण भगवान साक्षात तेरे सामने खड़े हुए हैं, और मैं अर्जुन का साथ दे रहा हूं, सच का साथ दे रहा है ये कृष्ण। चाहे तो किसी का भी साथ दे रहा है, लेकिन कल इस भीष्म से बचना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, हाँ, कह दे अपनी बात को। क्या सुन ले मेरी बात को। कल के युद्ध में इस भीष्म से बचना मुश्किल हो जाएगा। कुछ तो गाफिल हुआ फिर कल, और तू गाफिल हो जाएगा। कृष्ण नाम देख लेना, कायरों में शामिल हो जाएगा। कौन सा छड़ करने वाले, हर पर्वत का दिल हो जाएगा। छड़ करने वाले, तू पर्वत का दिल हो जाएगा।
तेरा शाम लगने लगेगी सवेरा दिल हो जागा बेबी तेरा शाम लगने लगेगी सवेरा युद्ध में होता। अच्छा, हमें कल की परवाह नहीं है। अगर तुम झूठ का साथ दे रहे तो हम भी सत्य के साथ में खड़े हुए। हम झूठ का साथ दे रहे, कौन कह रहा तुमसे? दुर्योधन के साथ में हो तुम। फिर भीष्म किसी के साथ में नहीं है। अरे तुम्हें परी पंचायत में तुम्हारी पोत बहू का नंगा नाच देखने के लिए तुम्हारा गर्दन झुकी हुई थी, उस टाइम उठी नहीं तुम्हारी गर्दन। ये पांडवों को देखना चाहिए था। अच्छा, हाँ, अब भी पांडवों की गलती। बिल्कुल, जुआ खेलना अच्छा थोड़ी होता है। अरे जुआ भी आपकी पंचायत में खेला गया, आपकी भरी सभा के बीच में आपकी पोत बहू का। इतिहास गवाह है, जिस जिसने जुआ खेला है उनका नाश हुआ। अरे निरादर करने वाले भी तुम ही हो। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। काली जैकेट पहन के, हाँ, लाल वस्त्र पहन के, बिल्कुल आपको घमंडी मान रहे हो। भगवान का भजन करता हूं इसलिए भगवा वस्त्र लेने पड़ते हैं। है तो अपनी बात। वैसे तो ब्रह्मचारी उस श्वेत वस्त्र पहनता हूं मैं नीचे। हाँ, छल्ला गिरवा फिर रहे हो। यो ही जमाना देखेगा जब धरती अंबर हलेंगे। कल की परवाह, कल की परवाह, कल की परवाह कौन करे, हम कल ही देखे बाड़ेंगे। सौगंध गुरु की बाण शीश लाखों के काटिए डालेंगे। जो हिम्मत तुम्हारे में होगी अपने आप बचा लेंगे। जो हिम्मत तुम्हारे अपने आप बचा लेंगे। बहालेंगे खून अपने में, दिखेगी मौत सपने में। उन्हालेंगे खून अपने में, दिखेगी मौत सपने में। सपने में हरी ने तू लग लग जा, कहीं टोले तू अपना ठिकाना। फिर संयुक्त में मेरे बारे में भी तुझे पता होगा। बिल्कुल पता। मैं कौन हूँ? बिल्कुल जानता हूँ। कौन हूँ मैं? कृष्ण जी है तू, और कौन है? अरे सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण भगवान तुझे समझा रहे हैं भीष्म जी। अब भी मान जा, अभी सुलह कर ले, अपने परिवार को अपनी मुट्ठी में बांध ले। देख, जो सुलह होना था नहीं होना था ये तो बहुत पहले हो चुका है। अच्छा, अब जब युद्ध चल रहा है रण क्षेत्र में, सूरवीर आमने सामने टकरा रहे हैं, और कल जब भीष्म की प्रतंजा पर जब भीष्म धनुष और बाणों को उठाते हैं, धरती और पाताल हाल उठते हैं,
तीनों लोक दहल उठते हैं। अच्छा, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान इस भीष्म को है। काल भी भय खाता है इस भीष्म से। पहली बात तो ये तीनों लोक मेरे हैं, तुझे कोई भय नहीं मानता तुझसे। अच्छा हाँ, तुझे अपनी इच्छा मृत्यु का जो तुझे वरदान है ना, तेरे लोक है नहीं है, लेकिन वो दहल जा मेरे, कुछ ना दहल था तुझसे। अच्छा पता लग जाए। ये काली कंजरी आंख बड़ी सुंदर लगती है तेरी। हाँ सुंदर तो लगती है, लेकिन बुढ़ापा है तुझे। इन पर काबू कर लिया है मैंने। हाँ। इंद्रियों पर काबू करके जीता है। अरे तुझे इंद्रियों की बात पड़ रही है। हाँ, बड़े बड़े भ्रमसारी खत्म हो गए। हाँ, लेकिन वो भीष्म नहीं बने थे। अपनी बात को कह दे जरा, सुन ले मेरी बात को। हाँ। मैं भीष्म हूँ जन्म जति, हे काल मेरे से माने है। तेरी क्या औकात मने, यू सकल जमाना जाने है। तीन लोक तक कांपे उठे जब भीष्म बाण ताने है। अधर्म की ओर लड़े भीष्म क्यों गहरी मन में ठाने है। अधर्म की ओर लड़े भीष्म क्यों गहरी मन में ठाने है। ठाने है भाड़ में होम थारे, दिन में दिखला तू सब ने तारे। ओ ठाने है भाड़ में होम थारे, सब नेतारे। तुम्हारे अब भी शरण में आजा, तुम्हारे अब भी शरण में आजा। नाते सर पे रहेगा उलाना, बोले फिर संयुक्त में ना। ऐसा होगा हम अपने आप देख लें। अच्छा हाँ, लेकिन जो तुमने प्रतिज्ञा कर रखी है वो प्रतिज्ञा कल इस रणभूमि में टूटेगी तुम्हारी। अगर मुझे सत्य के लिए प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़ी तो ये सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण प्रतिज्ञा भी तोड़ देगा। ले जी, इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि महाभारत के युद्ध में अस्त्रों शस्त्र के हाथ नहीं लगाऊंगा। बिल्कुल, थोड़ी देर में होगा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि तेरे जैसे अधर्मी, तेरे जैसे हट धर्मी मानस भी युद्ध करेंगे। अभी तक तो सिर्फ ये बात बताई है कि कल भीष्म युद्ध में भयंकर युद्ध करेगा। इतने में निकल लगा, कोई बात नहीं तोड़ दूंगा प्रतिज्ञा। तोड़ दूंगा अगर तो थारे जैसे। ये प्रतिज्ञा तुमने तो बहुतों की प्रतिज्ञा तोड़वाई है। हाँ बिल्कुल तोड़वाई है। हाँ। भीष्म नाम है मेरा। अरे भीष्म मेरी बात को सुन ले। सुना दे। तेरी पोत बहू का नंगा नाच तेरे। अरे इन कंजरी आंखों को शर्म नहीं आई? ओहो हाँ, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लेता। पोत बहू का नंगा नाच देखने के लिए तैयार है? पूछ मरोड़ो बैठा हुआ सिंहासन पर। ये तो देख। हाँ। इन बातों को छोड़। क्यों छोड़ू? रणभूमि में चलने वाले। हाँ। और मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ, प्रतिज्ञा तो तेरी टूटेगी। अच्छा। और ऐसी टूटेगी कि भागता फिरेगा जिस रास को पकड़ के रथ पे बैठा रहता है ना। भागता ना फिरूं? भागेगा बिल्कुल ना भागेगा। रास हाथ से छूट जाएगी कल। मेरा जो अर्जुन है। हाँ। तेरे लिए सर सैया बिल्कुल तैयार कर रखी है उसने। अर्जुन तो मेरा बच्चा है। अच्छा। तेरा बच्चा ही तो मारेगा तुझे। यार क्या बात है। जो प्रतिज्ञा कर राखी वो कल युद्ध में टूटेगी। ये तो भला ये तो वक्त बतावेगा जन किसकी किस्मत टूटेगी। सारी दुनिया देखेगी तेरे रास हाथ से छूटेगी। अरे नर नागर ज्ञानेंद्र सरधना की जोड़ी उरंग लूटेगी। अरे नर नागर ज्ञानेंद्र सरधना की जोड़ी घूटेगी। खून रणभूमि दिखेगी, धरण भूमि घूटेगी। खून रणभूमि दिखेगी, धरण भूमि। सूती कलम
सज पे गाड़ा, बोले कीर्तन युद्ध।